नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। बाजार में धनतेरस के रौनक, काल से दीपावली पावनि शुरू भेल, कौआ पूजा से काल्हे भेल। महतारिक धवौली में पेटझरी के प्रकोप, एक बचिया के मृत्यु, बावन गोटे बीमार, आठ की अवस्था गंभीर। छठ के बाद आंदोलन करी पड़त, फोरम नेपालक अध्यक्ष यादव के कहब, महतो कहलन तैयार रहू। लोकमान प्रकरण के कारण संविधान संशोधन पाछू धकलायल, कांग्रेस महामंत्री कोरेला से स्वीकार, जल्दी संशोधन होबाक दावी। आ इराक में आईएस विद्रोही विरुद्ध अमेरिकी सेना के कार्रवाई जारी, डेढ़ सप्ताह में 800 से बेसी लड़ाकू मारल गेल दावी। महतारी के जलेश्वर नगरपालिका वार्ड नंबर 13 में पेटझरी के प्रकोप देखल गेल। धवौली के मुसहर टोल में फैलल गेल पेटझरी से एक बालिका के मृत्यु भेल। पेटझरी से 2 वर्षीय बालिका राधिका सदा के मृत्यु भेल। एना के 52 गोटे बीमार पड़ल, 8 गोटे के अवस्था गंभीर। कार्तिक 9 गते से फैलल पेटझरी नियंत्रण कर स्वास्थ्यकर्मी की टोली खटल। शौचालय के अभाव आ अशुद्ध पानी के प्रयोग के कारण पेटझरी फैलल स्वास्थ्यकर्मी सब जनौने। हिंदू सभा के महत्वपूर्ण पावनि दियावाती काल से शुरू भेल। दियावाती कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी से कार्तिक शुक्ल द्वितीया धरि मनाओल जाए। दियावाती के पहल दिन काल धनतेरस मनाओल गेल। कलका दिन धातु के सामान खरीद कर के जरूरी रहला से घर में लक्ष्मी माता के पास होबक जनविश्वास है। दोकान सब धातु के सामान तथा सोन चांदी कीनय वाला सबके दोकान सब में भीड़ लागल छल। हिंदुस्तान और नेपाल में देखे छी लोग के कॉन्सेप्ट आइ जे हम कोनो नया वस्तु कीनै छी लोग तो घर में लक्ष्मी के प्रवेश होइ छै। माने आइ के दिन में कोनो नया वस्तु के कीन के लऽ जेनाइ लक्ष्मी के घर में प्रवेश होइ छै। ओना आइ के देखियो दीपावली के बाद माँ लक्ष्मी पूजा होइ छै तो आइ जे लोग सर सामान कीनै छै, थाल लोटा विभिन्न किस्म के सामान की क लक्ष्मी जी के सेहो प्रसाद के रूप में अर्थात हुनका जे ओहि दिन प्रसाद देल जाइ छै तऽ ओहि थाल में हुनका प्रसाद देल जाइ। लेकिन अखन जे कॉन्सेप्ट अखन जे हिंदू समाज में छै जे आइ जे कोनो वस्तु कीनू आ कीन कऽ घर लऽ जाउ तऽ ई लक्ष्मी के प्रवेश होइ छै, ई शुभ होइ छै। एहि दुआरे आइ के दिन में लोग खास कऽ गहना सोन चांदी थाल इत्यादि कीन कऽ अपना घर लऽ जाउ। धनतेरस के कारण व्यापारी सब से उत्साहित देखल गेल। काल कौआ के पूजा से कैल गेल। कौआ के पूजा क मीठ मीठ खा के लेल सेहो देल गेल। तहिना आई कुकुर के पूजा कैल जा रहल छ। वैदिक मान्यता अनुसार कौआ के संदिष्पाहा के रूप में लेल जाइत छ। कलका दिन कौआ के पूजा क खा द क अपने खने कौआ के खुआला के बाद अपने खेने पाप के भागी होबैक धार्मिक मान्यता अछि। वैदिक सनातन हिंदू धर्मानुसार कौआ के यमदूत के रूप में सेहो लेल जाइत अछि। संघीय समाजवादी फोरमक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव विभिन्न बहाना में संविधान संशोधन के मुद्दा ओझराहाट में पारक के सरकार के देने समर्थन फिरता लक आंदोलन में जाके चेतावनी देने छ। रिपोर्टर्स क्लब में शुक्र दिन भेल अंतरक्रिया में अध्यक्ष यादव अपने सब लंबा समय से उठौने संविधान संशोधन के मुद्दा ओझराहाट में पारक के काज भेल तो सरकार के देने समर्थन फिरता लक आंदोलन में जाके विकल्प नहीं रहल बतौलने छ। सरकार के समर्थन सेहो करैत आंदोलन सेहो करय पड़त उचित नहि हैत कहैत ओ मांग पूरा कराबय लेल आंदोलन के विकल्प नहि भेल बतौलने छ। ओ प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल बेर बेर समय दक संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद में दर्ता नहि करौने कहैत संविधान संशोधन के मुद्दा ओझराहाट में पार महाभियोग प्रस्ताव लौने आरोप सेहो लगौलैत। सरकारले झुलाउने काम गर्यो, भ्रममा पार्ने काम गर्यो र यो महाभियोगको प्रस्ताव अगाडि देखाएर संविधान संशोधनलाई ओझरमा पार्ने षड्यन्त्र भयो भने हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा जानु पर्ने हुन्छ। आन्दोलन र सरकारलाई समर्थन दुईटै कुरा रहन सक्दैन, त्यो पोइन्टमा गएर त्यस कारणले अहिले हामीले चाहिँ के छ भने दिएका समर्थन आजै फिर्ता भन्ने कुरा होइन। तर जब हामी आन्दोलनमा जानलाई बाध्य हुन्छौँ र आन्दोलनको मितिको जब घोषणा हुन थाल्छ त्यो समर्थनको कुनै अर्थ रहन्न।
अध्यक्ष यादव संविधान संशोधन का देश के विद्यमान समस्या समाधान करके अवसर नहीं गुमाव शीर्ष दल के नेता सबसे आग्रह से कल थे। सद्भावना पार्टी का अध्यक्ष राजेंद्र महतो संविधान संशोधन अविलंब होब परत मांग के सप्तरी के राजविराज में शुक्र दिन पत्रकार सब संग संक्षिप्त बातचीत करे तो सरकार गठन के क्रम में मधेसी मोर्चा संघ के अन्य तीन मुद्दे समझौता छठ धेर मांग पूरा नहीं कलक था। मधेसा मधेसी जनता के हित के लिए फिर से आंदोलन हेत चेतावनी देने संविधान संशोधन मार्फत मधेस की समस्या समाधान नहीं भेल तो सरकार के देने समर्थन से फिरता लेब सकब वो कहले नहीं छ। संघीयता के खाका तैयार नहीं होब धेर स्थानीय निकाय के निर्वाचन कराब नहीं चाहिए कहे तख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह काकी के हटाव के संबंध में मधेसी मोर्चा संघ छलफल नहीं भेल से ओ बतौलत। नेपाली कांग्रेसक महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला लोकमान प्रकरण के कारण संविधान संशोधन प्रक्रिया पाछू धकेलल गेल स्वीकार करेने छ। जनकपुर विमानस्थल में काल पत्रकार सब संग बातचीत करते महामंत्री कोइराला लोकमान सिंह कार्की विरुद्धक महाभियोग प्रस्ताव संसद में पहुँचला के बाद संविधान संशोधन काज किछ पाछू धकलायल स्वीकार कलने छ। केही हदसम्म यो ठिक हो तर मैले तपाईँलाई भनिहालेँ अस्ति जब पेस भयो सदनमा त्यसपछि चाहिँ नि तपाईँहरूले पनि मिडियामा पनि अलि यसले ब्याक स्टेज लिएको छ यो संविधान संशोधन खरेन्द्र त्यो पनि हुनसक्छ यो तर अब यो हजुरलाई के लाग्छ होइन मलाई लाग्दैन कि महामंत्री कोइराला संविधान संशोधन जल्दी हाथ दाबी से करे वो संविधान संशोधन प्रक्रिया आगू बढ़ावा पिछला समय शीर्ष तह में छलफल गति लेने से बतौलन। वो सब पक्ष अपन अपन अड़ान में लचक होब से आग्रह कल संविधान रचिसकेपछि वार्तातर्फ हामी त्यति धेरै गतिले जान सकेनौँ तर यतातिर आएर निर्वाचनको समय पनि आइसकेको छ त्यसैले अहिले अत्यन्त गम्भीर भएर हामी जानुपर्छ। वार्ता कस्तो वेमा गइरहेको छ वार्ता कुन वेमा गयो अब पहिले त सबभन्दा पहिले तिनवटा दल मुख्य दलहरू अस्ति शेरबहादुर प्रधानमन्त्रीज्यू ओली साहब बसेर केही छलफल गर्नुभयो अब यसपछि चाहिँ अरू दलहरूसँग पनि बसेर वार्ता गर्नु पऱ्यो खास गरिकन मधेसी दलहरू छन् त्यसपछि अरू जुन स्टेक होल्डर्सहरूलाई पनि हामीले समावेश गर्नु पऱ्यो वार्तामा के मेरै गोरुको 12% जस्तो हुँदैन हामी के चाहन्छौँ भने म्याक्सिमम् सबैको यो नेपाली जनताको अभिप्राय जे हो त्यो हुनुपर्छ भनेर हरेक दलले कुनै न कुनै किसिमको प्रतिनिधित्व जनताबाट गरिरहेका हुन्छन् त्यसैले दलहरूको राय लिनुपर्ने आवश्यकता। महामंत्री कोइराला मधेश में दू प्रदेश के विषय में कांग्रेस खुला रहल कहे अपने सब अ के विरोधी नहीं रहल से स्पष्ट कलत वो विवाद में पारल गेल 5 जिला के विषय के वार्ता से समाधान कर पड़त से बतौलन। महामंत्री डॉक्टर कोइराला काल सरलाही में होवला पार्टी के कार्यक्रम में सहभागी होब के क्रम में जनकपुर आयल छलत। संघीय समाजवादी फोरम नेपालक सांसद डाक्टर वीरेन्द्र महतो छठ धेर संविधान संशोधन के प्रस्ताव नहीं आ आंदोलन कर के चेतावनी देने सिराहा के मिर्चैया वार्ड नंबर 9 शांति बाटिका ढोरना स्थित फोरम नेपाल जिला कार्य समिति के ने शुभकामना दान प्रदान कार्यक्रम में सांसद महतो तीन बुधे सहमति अनुसार सरकार मुद्दा संबोधन होब जका संविधान संशोधन विधेयक नहीं आनलक त आंदोलन में जाय बाध्य हाब चेतावनी देने संविधान संशोधन प्रस्ताव नहीं आयत उत्पीड़न में पड़ल सबके विद्रोह कर के अवस्था आयत ताहि लेल बड़का दल सबके समय में सचेत होब से हो सांसद महतो आग्रह कलत। कार्यक्रम में फोरम नेपालक सिरहा क्षेत्र नंबर 5 के अध्यक्ष अजय कुमार यादव राजलाल यादव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह सत्यनारायण यादव जिला अध्यक्ष किशोरी यादव लगायत सब धारणा रखने से। राष्ट्रीय मध्य समाजवादी पार्टी के केन्द्रीय अध्यक्ष शरद सिंह भंडारी हाथ में झाड़ू लक अपन गांव के सफाई कलने हिंदू धर्मावलंबी सबक महान पावन शुभ दीपावली तथा छठ पावन के अवसर में
राष्ट्रीय मधेस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद सिंह भंडारी जी के प्रमुख आतिथ्य में अपने गांव महतारी के औरही में सरसफाई कार्यक्रम के आयोजन कैल गए। वो कार्यक्रम में समाजवादी विद्यार्थी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाह ज्ञानू, स्थानीय भूपू मुखिया शंकर यादव, जोगी चौधरी, जनज्योति युवा क्लब के अध्यक्ष सरोज यादव, तमोसपा के नरेंद्र यादव, राकेश यादव लगायत स्थानीय रामसपा के नेता कार्यकर्ता एवं स्थानीय भलादमी के बेसी उपस्थिति रहल छल। तब वही कार्यक्रम में रामसपा के अध्यक्ष भंडारी सामाजिक रूपांतरण के लिए समाज के सब किस्म के फोहर गंदगी के सफाई करा परत में जोड़ देने बतौलन। भारत अपन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आगामी कार्तिक 17 गते से करवाला नेपाल के 3 दिवसीय राजकीय भ्रमण विशेष गुडविल भ्रमण हेत बतौलक। मुखर्जी के भारत भ्रमण के विषय में जानकारी कराव विदेश मंत्रालय में आयोजन कैल गए पत्रकार सम्मेलन में भारतीय विदेश मंत्रालय के नेपाल आ भूटान डेस्क देखवला सुधाकर दरेल ओहि भ्रमण से द्विपक्षीय संबंध के आरो सुदृढ़ बनात बतौलन। मुखर्जी नेपाल भ्रमण के समय में होबे वाला संभावित समझौता के विषय में पूछल गए प्रश्न में वो भारतक प्राथमिकता नया समझौता से बेसी पुराने में कार्यान्वयन रहल बतौलन। विगत 2 वर्ष में नेपाल आ भारत के बीच में व्यापार पारवहन विकास परियोजना लगायत के बहुते क्षेत्र में समझौता सब भेल है। वो हमर सबक जोड़ वही परियोजना के कार्यान्वयन में रहत। वो कहलन जे आगू बृहस्पति दिन भारत के राजधानी नया दिल्ली में संपन्न नेपाल आ भारत के संयुक्त कमीशन के बैसार में सेहो रोकल गेल परियोजना सबके आगू बढ़ावे के विषय में सहमति भेल छल। वह परियोजना के लिए किस समय आगू दुनू देश के प्रतिनिधि सब संलग्न एक अनुगमन संयंत्र बनाब के सहमति भ चुकल है जैके बैसार आगामी 1 महीना भीतर हेत। दलाले अपना सब परियोजना के संबंध में स्थानीय स्तर में किछ उपलब्धि देख चाहने से बतौलन। ऐसे आगू बृहस्पति दिन भारत मुखर्जी के नेपाल भ्रमण के संबंध में औपचारिक घोषणा कने छल। यद्यपि किछ समझौता सब के तैयारी भ रहा है। मुखर्जी नेपाल भ्रमण के समय में संविधान संशोधन आ मधेसवादी दल सबक माग के संबंध में नेपाली नेता सब संग छलफल करत कि नहीं करत से पूछल गेल प्रश्न में ओ घुमा कर द्विपक्षीय विषय में बातचीत हेत बतौलन। सरकार छठ के बाद संविधान संशोधन के तैयारी कर रहा समय नेकपा एमाले के उपाध्यक्ष वामदेव गौतम संविधान संशोधन होब नहीं सकत बतौलन। संविधान के कार्यान्वयन में जाप के समय संशोधन में अड़क नहीं चाहिए उनका धारणा है। विराटनगर विमानस्थल में कल संचारकर्मी सब संग बातचीत करते उपाध्यक्ष गौतम संविधान जारी होब के समय से मधेसी दल अवरोध के स्मरण करते वो कहलन जब मधेसी सब में हिम्मत है संविधान संशोधन कह देखावत चुनौती दी। वो नेपाली कांग्रेस आ माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन करब कहतु अई विषय में एमाले संग कोनो परामर्श नहीं कने कहत एमाले संविधान संशोधन के पक्ष में नहीं रहल नेता गौतम बतौलन। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव पारित कर नेपाली कांग्रेस सहमति जना चुकला से जल्दी निष्कर्ष में पहुंच परत बतौलन। सिंहदरबार स्थित अपने कार्यालय में शुक्र दिन संयुक्त विद्यार्थी संगठन के ज्ञापन पत्र बुझेत प्रधानमंत्री दाहाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा से महाभियोग प्रस्ताव पारित कर सहमति जना चुकल बतौलन। वो कांग्रेस आ एमाले के नेता संग अपने केने छलफल के क्रम में सभापति देउवा कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित कर के सवाल में सहमति जनाने बतौलन। प्रधानमंत्री पछिला समय मधेसी मोर्चा के नेता सब संग सेहो अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्धक महाभियोग प्रस्ताव पारित करे के विषय में छलफल भ रहला से जल्दी महाभियोग प्रकरण निष्कर्ष में पहुंचत विश्वास व्यक्त कयलनि अछि। म समेत र आज मात्रै मेरो मधेसी मोर्चा का नेताहरूसँग पनि कुरा भयो र भइराखेको पनि छ। सबैको पनि यो परिस्थिति चाहिँ समान धारणा बनाउने र देशका अगाडि उत्पन्न भएका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने एउटा वातावरण बनेको छ। यो चाहिँ नकारात्मकताभित्र चाहिँ अन्तर्निहित सकारात्मक परिणतिको सम्भावना हो। प्रधानमन्त्री दाहाल विद्यार्थी संगठनके अगुवाई से दल सबके गंभीर विषय में एक ठाम ठार होब के निर्णय कर प्रेरित केने बतौलन। वो अख्तियार प्रमुख के महाभियोग लगाकर हटेनाई नकारात्मक विषय होतु सुशासन स्वच्छता आ पारदर्शिता कायम कर लेल नया प्रयोग भेल दावी कल। यो विद्यार्थी संगठन ने जो एकीबद्धता प्रदर्शन गर्नु भएको छ र सड़क बाट पनि यो आवाजलाई
जनता को बीच में पुर्याउने तपाईहरुले काम गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ प्रधानमंत्री को रूप में के महसूस गरेको छु भने तपाईहरुको यो इनिशिएटिभले भनौं न पहलले राजनीतिक दलहरु र नेताहरुलाई पनि गंभीर रूप से सोचेर यो विषयमा समान समझदारी बनाउने र यसलाई अगाडि बढाउने यसलाई टुंगोमा पुर्याउन प्रेरित गरेको मैले राम्रोसँग महसूस गरेको छु। विभिन्न राजनीतिक दल निकट विद्यार्थी सम्मिलित संयुक्त विद्यार्थी संगठन अख्तियार प्रमुख कार्की विरुद्ध के महाभियोग प्रस्ताव संसद से पास कर दबाब दैत शीर्ष नेता सबके ज्ञापन पत्र बुझा बताएल ओसबैस आगुए नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा आ नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी ओली के भेट कर ज्ञापन पत्र बुझा चुकल। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रमुख दल सभक सहमति में सरकार पड़ोसी राष्ट्र प्रमुख सब नेपाल भ्रमण में अवैधकाल सार्वजनिक विदा देव के निर्णय कने दावी कैलने अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग प्रमुख लोकमान सिंह कार्की विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित के लिए दबाव देव गेल संयुक्त विद्यार्थी टोली संघक भेट में प्रधानमंत्री दाहाल प्रमुख दल सभक सिफारिश में सरकार भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेपाल भ्रमण के क्रम में सार्वजनिक विदा देव के निर्णय कने स्पष्ट कैलने वो विगत के सरकार से हो पड़ोसी राष्ट्र के प्रमुख के नेपाल भ्रमण के समय विदा देने निर्णय देव के निर्णय कने कहित वो वही परंपरा के निरंतरता दिल देने दावी कल सब राजनीतिक दल को बीच में समझदारी बना सरकार ने करोस् मैं ल ठीक करने हमें विषय हो हमी कह अब यो यातायात व्यवस्था हम अच्छी हम सुधार बल करते सुध्री सकता छेन राष्ट्रपति आउँदा असाध्य बड़ी ट्राफिक उले गर्दाखेरि जनताले धेरै दुःख पाउँछन् बरु बिदा गर्दैछि ढुक्क भन्नेबाट पनि यो कुरा सुरु भएको भन्ने ध्यान दिदिनु होला। सार्वजनिक विधा के संदर्भ में संचार माध्यम सब गलत रूप में समाचार संप्रेषण कर जनता के भ्रमित कने प्रधानमंत्री को प्राग छन्। प्रधानमंत्री दाहाल विदेशी पाहुन सब के भ्रमण के क्रम में उपत्यका के सार्वजनिक सवारी सेहो प्रभावित होत आ वही से नागरिक दुख पाओत ताई लेल विदा देने विषय आयल बतौलन। मंत्रिपरिषदक बृहस्पति दिन बैसल बैसार से भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेपाल भ्रमण के दिन कार्तिक 17 गते सार्वजनिक विदा देव के निर्णय कने छल। सरकार के निर्णय के बाद सामाजिक संजाल में ओय के विरोध भेल छल। भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के नेपाल भ्रमण के क्रम में सरकार सार्वजनिक विदा देव के निर्णय कने में अनेरा सभी आपत्ति जनौलक। सरकार भारत आ चीन के राष्ट्र प्रमुख नेपाल भ्रमण में अवैधकाल सार्वजनिक विदा देव के निर्णय कने करते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट के विद्यार्थी संगठन विरोध जनौलक। अनेरा सोवी के प्रवक्ता सुदीप शर्मा विज्ञप्ति जारी करते भारतीय राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण के क्रम में सार्वजनिक विदा देने में आपत्ति जनाने आई। स्वाभिमान विरुद्ध के निर्णय तत्काल नहीं सचौलक को विरोध के कार्यक्रम कर अनेरा सोवी तैयार हल विज्ञप्ति में उल्लेख कैल गए। भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी 17 गते 3 दिवसीय नेपाल भ्रमण में आव लागल छत। पिछला 18 वर्ष में भारतीय राष्ट्रपति के ई पहिल नेपाल भ्रमण हैत। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड अपन प्रशासनिक सलाहकार में भाई नारायण दाहाल के नियुक्ति कैलने। बृहस्पति दिनक मंत्रिपरिषद बैसार से दाहाल के नियुक्ति कलक। दाहाल माओवादी नेता एवं प्रचंडक काका के बेटा है। प्रचंडक स्वीकीय सचिव में बेटा प्रकाश दाहाल है। चितवन के पूर्व सभासद सेहो रहल नारायण दाहाल नियुक्ति आगुए सरकार के काम कार्रवाई में हस्तक्षेपकारी भूमिका निभवैत आयल छल। स्थानीय विकास मंत्रालय केने एलडीओ सभक सरुआ में हस्तक्षेप कर दाहाल के टोली पहुँचल छल। नारायण दाहाल प्रचंड संघक संबंध के कारण अपना सबके आरोप लगैत आयल उपराग सेहो दैत आयल। नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली एमाले सरकार के नेतृत्व नहीं कर धेर देश विकास के रास्ता में आगू बढ़ नहीं सकत दावी कने। ललितपुर में शुक्र दिन आयोजित चियापान समारोह के संबोधन करते अध्यक्ष ओली देश के विकास और समृद्धि के रास्ता में आगू बढ़ावा फिर से एमाले के सरकार के नेतृत्व कर पड़त बतौलन। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसक शीर्ष तह के नेता से सरकार परिवर्तन के षड्यंत्र अनुसार माओवादी केन्द्र आ एमाले महाभियोग प्रस्ताव अन्य टिप्पणी कर रहा समय में एमाले अध्यक्ष ओली से सरकार के नेतृत्व के अभिव्यक्ति आयल। राजनीतिक स्थिरता कायम करते समग्र आर्थिक विकास में बढ़ लेल देश के एमाले के नेतृत्व आवश्यक रहल अध्यक्ष ओली के कहब छलन। ओ नेकपा माओवादी केन्द्र दिस इशारा करते एमाले जनता में लोकप्रिय भर हल समय गलत प्रचार कह कर फायदा लेवे वाला सब सक्रिय भेर आरोप से लगल। सरकार
एमाले सरकारको नेतृत्व गर्नु परेको भनेको एमालेका निम्ति होइन देशका निम्ति। देश झै उभिनुपर्छ भने एक्काइसौँ शताब्दीको ढाँचामा अगाडि बढ्नुपर्छ भने विकासको बाटोमा तीव्रताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भने एमालेको नेतृत्वको सरकार चाहिन्छ, एमालेको सरकार चाहिन्छ। यस देशमा स्थिरता स्थायित्वका लागि हामीले अलिअलि जवाफ दिएका छौँ लिनुपर्नेहरू, तर जवाफ दिएर के गर्ने, आफूसँग एकताइ पनि छैन। हामीले समयमा देशका निम्ति काम गरेका छौँ, तर काम गरेर के गर्ने? एकदमै आफूसँग त्यो पर्याप्त सङ्ख्या छैन। एमालेसँग सशक्त र व्यापक सङ्गठन छ, एमालेलाई जनताले विश्वास गरेको छ, तर झगडा लगाउने, भ्रम पार्ने, अन्यल पार्नेहरू सक्रिय भइहाल्छ। अध्यक्ष ओली, देशमै सुशासन र पारदर्शिता कायम हो पर तै पक्षमै रहला छ, एमाले अख्तियार प्रमुख लोकमान उपरमे विरुद्धके महाभियोग प्रस्तावके पक्षमै रहला स्पष्ट कले थियो। सभा चाडबाडका बेला यो महाभियोग के को छलफल गर्नु परेको छ। अस्ति राजीनामा गरिदिए भए पर्दै पर्ने थियो। अब एमाले बाहेकहरूले एनआट गर्ने कुरा पनि भएन, फेरि एमाले बाहेकहरूले हाटै गर्छ, एमाले मात्रै हाट गर्छ। जे होस्, हामी देशलाई सुशासनतर्फ, राष्ट्रिय हिततर्फ, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानतर्फ र विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ, बढाउँछौँ। यस तिहारले हामी सबैलाई त्यस निम्ति सक्रिय हुने प्रेरणा दिन्छ। एमाले जिल्ला कमिटी ललितपुर दियावाती नेपाल सम्बत 1137 छैठ लोसार लगायतकी अवसरमा चायपान समारोह खेलाएकै छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई रेला राजमार्ग छ तिब्बत आ नेपालकै जोडके सम्भावना रहल बताले नै छ। सँगै हो ऐक्य भारतसँग विस्तार भारत धेर विस्तार गर सकके बताले नै छ। चिनके ग्वानझाओमे भरहल सिल्क रोड एक्सपोके सम्बोधन करैत नयाँ शक्ति नेपालक संयोजक सेहो रहल भट्टराई अत्यन्त दुर्गम आ निर्माण गर असम्भव सम्झल गेल स्थानके सेहो आधुनिक रेल प्रविधिद्वारा केनाक जोडल जा सकैत अछि से उदाहरण चिन्चाई तिब्बत रेलमार्ग देखा चुकल बतौलनि। ओ आगू कहलनि जे ओहि कारणसँ रेल आ रेलमार्ग सब चीनके तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र आ नेपालके जोड आ सम्भवतः भारत धरि विस्तार कर दुनू प्राविधिक आ आर्थिक रूपसँ सम्भव अछि। नेपाल आ चीनबीच यातायात सम्बन्ध बढाबऽ पड़त, विशेष पारवहन खर्च कटौती करके अथवा व्यापार वृद्धि कर सङ्ग मात्रै सम्बन्धित नै रहल ओ बतौलनि अछि। यी हिमाली भेगके दुनू दिशके क्षेत्र सभक अर्थतन्त्रके मूलभूत संरचनामे महत्वपूर्ण सुधार आनके विशेषण जोड़ल गेल भट्टराई बतौलनि अछि। परराष्ट्र मन्त्री प्रकाश शरण महत नेपाल भारत संयुक्त आयोगके बैसारमे भारतीय सहयोगमे निर्माणाधीन आयोजनामे देखल गेल समस्या तत्काल समाधानक आगू बढ़के सहमति भेल बतौलनि अछि। भारतक नयाँ दिल्लीमे दू दिन धरि चलल नेपाल भारत संयुक्त आयोगके बैसारमे भाग लऽ कऽ घुरके क्रममे शुक्र दिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमे आयोजित पत्रकार सम्मेलनमे परराष्ट्र मन्त्री महत भारतीय सहयोगमे निर्माणाधीन आयोजना सबमे देखल गेल समस्या सम्बोधन कऽ कऽ ओहि आयोजना सबके आगू बढ़ाबके सहमति भेल बतौलनि अछि। भारतक सहयोगमे निर्माणाधीन अवस्थामे रहल आयोजना सब विभिन्न कारणसँ लम्बा समयसँ रोकल गेलासँ ओ आयोजना जल्दी सम्पन्न कर दुनू पक्ष समन्वय कऽ कऽ आगू बढ़के विचारमे सहमति भेल मन्त्री महत जानकारी देलथि। जुन विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत छन् ती आयोजनाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ आउने, त्यहाँ आउने व्यवधानहरू अप्ठ्याराहरू कहिले हाम्रो तर्फबाट पनि निराशस्तिमा आउँछ, कतिपय व्यवस्था उताबाट पनि समस्या आएको हुन्छ, त्यसलाई अब हाम्रो विदेश सचिवको यतातर्फबाट संयोजक तहमा उताबाट भारतको संयोजक स्थानीय तहमा संयन्त्र बनाएको छ, त्यसमा अरू अरू मन्त्रालयका स्वास्थ्यजीवीहरू पनि संयन्त्रमा हुनुहुन्छ, यसको पनि चाँडै बैठक बसेर कहाँ कहाँ समस्याहरू छ ती हाम्रा चाहिँ आयोजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ कार्यान्वित गर्नेतर्फ त्यसलाई पनि लिएर जाने।
नेपाल ऐसाको भारतको उच्च राजनीतिक तहमै पहुँचाव नै सकल मुद्दा सब संयुक्त आयोगके बैसारके प्रमुख सेन्टर हल परराष्ट्र मन्त्री महत जानकारी दिएर थियो। ओ नेपाल भारतसँग विभिन्न समयमा केने सन्धि सम्झौता अनुसार पावावाला सुविधा सबके विषयमा प्राथमिकताके सँग छलफल भेल उल्लेख कयला थियो। दुनू देश स्थानीय स्तरके संयन्त्र मार्फत सीमा क्षेत्रमा देखल गेल डुबान समस्या समाधान खोजके सहमति सेहो बैसारसँ भेल बतौलनि। डुबानका कुराहरू थप हाम्रा सम्झौता अनुसार चाहिँ काउन्टर गण्डकको कुराहरू यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ मेन स्ट्रिममा त्यो छलफलको मुख्य हिस्सामा ल्याएका छौँ र त्यसको परिणाम आउन थालेको छ। त्यो चाहिँ परिणाम आउने बाटोमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यस कारण मलाई लाग्छ त्यस अर्थमा तपाईँहरूले अब यो पोजिटिभ सकारात्मक रूपमा यी भएका कुराहरूलाई चाहिँ प्रति भएको छ। मन्त्री महत संयुक्त आयोगके बैसारमै समग्र नेपालके हितके विषय सबके प्राथमिकताके सँग उठाओल गेल तथा ओहि विषयमै भारतीय पक्ष सकारात्मक रहल जानकारी देलथ। सीमा सुरक्षा, अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइन आ भारतसँगक विद्युत व्यापारके लेल विद्यमान एन कानून संशोधन गर लगायतके विषयके नेपाल प्राथमिकताके सँग उठाउने बतौलनि। नेपाली कङ्ग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला अपन पार्टी परिवर्तन के संस्थागत करैत संविधान कार्यान्वयन के मुद्दा के प्रमुख प्राथमिकता में रखने बतौलनि। दियावाती तथा छठ के अवसर में शुक्र दिन आयोजित चायपान समारोह के संबोधन करैत नेता सिटौला प्राप्त उपलब्धि के संस्थागत करैत संविधान कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकता रहल बतौलनि। वो संविधान के विषय में मधेशी मोर्चा लगायत रखने असंतुष्टि सबके संबोधन करैत देश के स्थिरता आ स्थायित्व में लजापरत बतौलनि। संविधान संशोधन के माग राखि आंदोलन राखि रहल मधेशी मोर्चा के नेता सबके सहमति में आनिक तोकल गेल समय में निर्वाचन कराबऽ पड़त। नेता सिटौला जोर देने छथि। मूल लाइन नेपाली कांग्रेस समितिको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने नै, परिवर्तनलाई कहीँ पनि उल्टिन नदिने नै, परिवर्तनलाई संस्थागत गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। अब परिवर्तन चाहिँ असम्बन्धी केही साथीले केही सानातिना कुरा राखे केही साथ राखे भनेर हामीले चाहिँ धेरै दिगदारी मान्नु हुँदैन। दिगदारी मान्ने पक्षमा संस्थागत गरिरहेको छ। नेता सिटौला आब होबयवला तीनू तह के निर्वाचन में कांग्रेस जनता के विश्वास जीत उद्घोष कलन। ओ नेपाल के कम्युनिस्ट सब अपन सिद्धांत से च्युत भग कांग्रेस लेने रास्ता में आयल दावी से कने। नेपाली कांग्रेसक एक गोटे मंत्री नेता सबक चरम गुटबंदी के कारण पार्टी के अस्तित्व संकट में पड़ लागल आरोप लगौलन। पार्टी निकट वित्तीय संस्था कर्मचारी संघ निधियावाती तथा छठ पावन के अवसर में शुक्र दिन आयोजना के चायपान कार्यक्रम में सिंचाई मंत्री दीपक गिरी पार्टी नेतृत्व में गुटबंदी हावी भेल कारण से पार्टी के अस्तित्व संकट में पड़ल बतौलन। वो केन्द्रीय समिति बैसार में नेता सब लोकमान प्रकरण में निर्णय क के आगू बढ़ दबाव दैतु नेतृत्व अलमल में पड़ल बतौलन। मंत्री गिरी कांग्रेस बीपी गणेश मान आ सुवर्ण शमशेर के नाम बेचतो राष्ट्रीय मुद्दा बन चुकल लोकमान प्रकरण जेहन गंभीर विषय में निर्णय लेब नै सकल दावी कल। मंत्री गिरी महत्वपूर्ण विषय में चुस्त दुरुस्त निर्णय कर पार्टी में बहस कर के संस्कार नहीं रहल बतौलन। वो नेता सब मंत्री बनाब अपना खुशी निर्णय करितो जनता के सरकार संग जोड़ल गेल मुद्दा में निर्णय कर नहीं सक लाचारीपन देखने टिप्पणी कल। पार्टी सांसद सबके ताली बजाब मात्र प्रयोग कला से सांसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर नहीं सकल दिस मंत्री गिरी के तर्क छ। मन्त्री बनाउन टाइम टाइम यो भन्न सक्छ भनेपछि अनि अरू कुरा किन ट्याङ्क गर्दैन त्यो थोरै बसेर सबैलाई घुमाउने कुरा।
मन्त्री गिरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपा केन्द्रीय समितिमा मनोनयनमै बिना कारण अभ्यर्थीका आरोप सेहो लगलेन। सरकार सात वर्ष विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयनमा अनलकै छ। सहस्राब्दी विकास लक्ष्य सब आ सबके लेल शिक्षा राष्ट्रीय कार्य योजना निर्दिष्ट केने लक्ष्य प्राप्तिक लेल सरकार सात वर्ष विद्यालय क्षेत्र विकास योजना अनलकै छ। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना संविधान से सुनिश्चित केने प्रत्येक नागरिक के शिक्षा प्राप्ति के अधिकार के प्रत्याभूति कर तथा दिगो विकास के लक्ष्य सबसे निर्देशित भक विद्यालय शिक्षा के समग्र गुणस्तर उठाव के लिए केन्द्रित हैत। अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास संघीय संरचना भूकंप पश्चात के एल्म्स में उल्लेख भेल प्रावधान के सेहो ध्यान में रखैत सात वर्ष विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तर्जुमे कैल गेल अछि। लक्षित समूह तथा क्षेत्र में कैल गेल विभेद के न्यूनीकरण करैत शिक्षा में पहुँच सहभागिता तथा सिकाई उपलब्धि के दृष्टि से समावेशिता तथा समता सुनिश्चित करनाई योजना के मुख्य उद्देश्य अछि। विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी देव शुक्र दिन मंत्रालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में शिक्षा मंत्री धनीराम पौड़ेल सात वर्ष योजना में शिक्षा के सबके समान पहुँच सुनिश्चित कर के काज कार्यक्रम समेटल गेल जानकारी दिलथ। विषयगत रूप में शिक्षक को व्यवस्था डिजिटलाइज पाठ्यक्रम प्रविधि में आधारित सिकाई पुस्तकालय और प्रयोगशाला योजना ने उच्च प्राथमिकता में राखे साथ ही आवासीय सुविधा सहित विद्यालय घुमती विद्यालय साना विद्यालय दीवा खाजा कार्यक्रम मार्फत शिक्षा में सब को सामान पहुँच सुनिश्चित करने कार्यक्रम योजना में समेटिएका छन्। विद्यालय संरचना परिवर्तन व्यवस्थापन सुदृढ़ीकरण मार्फत निरंतर विद्यार्थी मूल्यांकन र सिकाई को परीक्षण जस्ता कार्यक्रम योजना में रहेका छन्। संघीय परिवेश अनुसार के शिक्षा क्षेत्र के राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्संरचना के नाई तथा लागत साझेदारी के अवधारणा अवलंबन का संघ प्रदेश आ स्थानीय सरकार सबके दिगो आ सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्थापन के नाई योजना के सुशासन आ व्यवस्थापन संबंधी उद्देश्य रहा है। योजना कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय तह नीति तर्जुमे करके प्रादेशिक क्षेत्रीय तह से अनुगमन तथा समन्वय आ सहजीकरण करके तथा स्थानीय तह मार्फत पूर्ण रूप में कार्यान्वयन में लचा के रणनीति अंगीकार कैल गेल है। सात वर्ष कार्य योजना कार्यान्वयन के लिए 10 खरब 70 अरब लागत के अनुमान कैल गेल छ। यसको लागि सबैभन्दा ठूलो हिस्सा 88.8% नेपाल सरकारले दायित्व वहन गर्ने तथा विकास सहायताहरूबाट 6.8% अर्थात 443 मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता प्राप्त भइसकेको छ भने करिब 279 मिलियन अमेरिकी डलरको वित्तीय न्यूनता देखिएको छ। स्थिर राजनीतिक वातावरणको विकास र योजना कार्यान्वयनको अवस्थाबाट विकास साझेदार तथा सरकारी स्रोतबाट उक्त वित्तीय न्यूनता पूर्ति हुने अपेक्षा समेत गरिएको छ। शिक्षा मन्त्री पौडेल संघीय व्यवस्था अनुसारको शिक्षा विकास सम्बन्धी पहिलो दस्तावेजको रूपमा आयल अइ योजनाको सफल कार्यान्वयनको लागि सहयोग गर सब क्षेत्रको अपील सेहो गरिने छ। प्रहरी अवैध एटीएम कार्ड तथा विदेशी मुद्रा सहित बुल्जेरियन नागरिक के पकड़ाउ केलकै छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो महाराजगंज शुक्र दिन पत्रकार सम्मेलन कक अवैध एटीएम कार्ड तथा 17,250 अमेरिकी डलर सहित बुल्जेरियन नागरिक डिमो अन्ताना सब स्टेफनोफ के पकड़ाउ कैल गेल जानकारी देलकै छ। बुल्जेरियन नागरिक स्टैनबोन स्टेफनोफ ठमेल लगायत के एटीएम बूथ में पैसक हिडन कैमरा आ कार्ड से डाटा कॉपी करके डिवाइस गोप्य रूप में जरान क डाटा स्कीमर के माध्यम से अपन कार्ड में लजाक पुनः एटीएम बूथ में जाकर रकम निकाल के पाउल गेल प्रहरी अनुसंधान देखलक। अनुसंधान ब्यूरो प्रमुख डीआईजी नवराज सिलवाल नया प्रविधि प्रयोग कक एटीएम से पैसा निकालत आयल पाउल गेल बतौलन। त्यस्तो खालको नयाँ अपराध त सधैँ थियो त्यसमा हामी हेरिरहेको छौँ तर त्यसमा टेक्नोलोजी नयाँ खालको टेक्नोलोजीको प्रयोग भएको थियो। प्रहरी बुल्जेरियन नागरिक के संग से 17,250 अमेरिकी डलर 25 थान अवैध एटीएम कार्ड मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर राइटर हिडन कैमरा स्कीमर लगायत के सामान बरामद कर डलर अमेरिकन डलर लगायत और विभिन्न किसिम का एक्सेसर पकड़ा भाई तेमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ तपाईको मैग्नेटिक कार्ड रीडर राइटर भन्ने इक्विपमेंट एउटा एक थान भेटियो। एटीएम कार्ड्स विभिन्न किसिम का एटीएम कार्ड्स 25 थान र सैमसुंग मोबाइल एक थान
पेन ड्राइभ दिन्थ्यौँ र हिडन क्यामेरा र स्किमर एक थाम हिडन क्यामेरा कस्तो यसमा एकदम इन्ट्रेस्टिङ के हो भने तपाईँको एटिएम मेसिनमा चाहिँ भित्र गएर एउटा एकदम स्मल त्यहाँ हामीले देखाएको छौँ स्मल एकदम माइक्रो क्यामेरा त्यहाँ फिक्स गरिरहेछ र कुनै मानिसले आएर एटिएममा आफ्नो कार्ड राखेर पिन कोड हाल्दाखेरि त्यसले त्यो क्यामेराले सबै त्यो खिच्ने हो अनि उसले ब्यानर गएर त्यहाँ राख्थ्यो टार्च जस्तो टार्च दिन्थ्यो अनि त्यो सबै दिनभरिमा को को मानिसहरूले आएर चाहिँ एटिएम प्रयोग गर्यो त्यो सबै डाटा चाहिँ त्यो क्यामेराले रेकर्ड गर्यो। विभिन्न बैंकके ग्राहकके मोबाइलमै एसएमएस अलर्ट मार्फत रकम निकाल्ने कैका सूचना आएलाके बाद सम्बन्धित बैंकके उजुरीका आधारमै ब्युरो अनुसन्धान सुरु केलक केने छल। ओ नागरिक अक्टोबर 7 दिन नेपाल आइपुगेको ठमेलस्थित होटल जगतमै रहल प्रहरीको अनुसन्धानसँग देखाउने आएछ। ओ उनका विरुद्ध बैंकिङ कसुर तथा सजाय 2064 बमोजिम कारवाही भइ रहल सेहो प्रहरी जनाउलकै छ। आब इकोनोमिक न्यूज। डैटसन कार के शोरूम जनकपुर में उद्घाटन कैल गया है। धनतेरस के अवसर में कंपनी के जनकपुर के लिए आधिकारिक विक्रेता मुजलिया स्थित महालक्ष्मी सेल्स प्राली के उद्घाटन कैल गया है। जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ का अध्यक्ष शिव शंकर साहिरा इस शोरूम के उद्घाटन कैल थे। डैटसन जैपनीज गाड़ी रहित निशान कंपनी संग मर्ज भक भारतीय उत्पादन भ रहा कंपनी के सेल्स डीलर मैनेजर सपन कुमार थापा बतौरें। विभिन्न मॉडल के डैटसन कार सब उचित दाम आ सुविधा के संग अब जनकपुर में उपलब्ध है। वही शोरूम के प्रबंध निर्देशक गोविंद पांडे के अध्यक्षता में भेल उद्घाटन समारोह में जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक सचिव सुरेंद्र भंडारी विभिन्न समाजसेवी व्यापारी सहित उपस्थिति छल। स्टेशनरी सामान के लिए जनकपुर के चर्चित गुप्ता स्टोर्स के नया स्टॉल के उद्घाटन कैल गया। धनतेरस के अवसर में गुप्ता स्टोर्स के नया बिक्री स्टोर्स उद्घाटन कैल गया। ऐसे आगू जनकपुर के भानुचौक स्थित वाणिज्य बैंक आगू के गली में रहल स्टोर्स आब वही बैंक के ठीक आगू मेन रोडे में स्थानांतरण भेल। स्टोर्स के संचालक रोहन गुप्ता बतौलन स्टोर्स में स्टेशनरी विभिन्न ब्रांड के चाय बिस्कुट इत्यादि के खुदरा तथा थोक बिक्री से होयत। आब इंटरनेशनल न्यूज। अमेरिकी सेना इराक के उत्तरी क्षेत्र में चरमपंथी संगठन आईएस के 800 लड़ाकू मारने दावी कलक। 11 दिन पहले से शुरू कैल गए कार्रवाई में आईएस कब्जा केने मकसद मोसुल सेहो ठाम छोड़कर भागल अमेरिकी सेना जनौलक। मोसुल शहर के आईएस के गढ़ के रूप में लेल जाते अमेरिका केने अ कार्रवाई में इराकी सरकार तथा कुर्द सैनिक समर्थन कलक। अमेरिकी जनरल जोसेफ बोटल मोसुल शहर में 1.5 हफ्ता पहले से शुरू कैल गए कार्रवाई में 800 से 900 आईएस लड़ाकू मारल गए दावी कलक। आब ये अभियान मोसुल के आसपास तथा तेज शहर केन्द्रित हाथ से कहलन। अमेरिकी सेना के अनुसार मोसुल में आईएस लड़ाकू के संख्या 35 से 5000 धरे। अप्रवासी चढ़ल नाव लीबिया के तटीय क्षेत्र में दुर्घटना भेला के बाद 90 से बेसी गोटे बेपत्ता भेल। लीबियाली तटीय गार्ड नाव दुर्घटना भेल जानकारी दिलक। उनका अनुसार नाव में 129 गोटे सवार छल ओहिमे से 29 गोटे के उद्धार कैल गेल। हेराल सबके सेहो खोजी काज भ रहल। लीबिया के राजधानी त्रिपोली से 50 किलोमीटर पूर्व में रहल तटीय क्षेत्र से नाव हेराल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम जनौलक। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग के अनुसार सन 2016 में अप्रवासी सवार नाव दुर्घटना में 3740 गोटे के मृत्यु भ चुकल। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। महतारीक धबौली में पेटझरी के प्रकोप एक बालिका के मृत्यु 52 गोटे बीमार 8 गोटे के अवस्था गंभीर। काल से दियाबाती पावनि शुरू पहल दिन धनतेरस मनाल गया। कौवा के पूजा करत नया धातु सब किन दोकान सब में ग्राहक सब के भीड़ बढ़ल। लोकमान प्रकरण के कारण संविधान संशोधन पाछू धकलायल कांग्रेस महामंत्री कोइराला के स्वीकार जल्दिए संशोधन है दावी। प्रमुख दल सबके सहमति में भारत और चीन के राष्ट्र प्रमुख नेपाल अवित काल विदा देव के निर्णय केने प्रधानमंत्री दावी अनेरा सोवी के आपत्ति। आ इराक में आईएस विरोध विद्रोही विरुद्ध अमेरिकी सेना की कार्रवाई जारी 1.5 सप्ताह में 800 से बेसी लड़ाकू मारे दावी। अपनी जखन के लिए रात पे पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।